अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। माता सीता कहती हैं, देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरे आप मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले वो नाई सिरु बैठे हु बागा फल खायस करो तो रही लागा रहे तहां बहु भट रखबारे कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को से नवाकर चले और बाग में घुस गए फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आबात भी भारी तेही अशोक वाटिका पुजारी खायस फल तरु पिटप उपारे रक्षक मर्द मर्द मही डारे। और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठाए भट नाना तिनहि देखि गरजउ हनुमाना सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अधमारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए, पुनि पठायो ते ही अक्ष कुमारा चला सुभट लए सुभट अपारा आवत देखि बिटप तही गर जा दाहिनी पाति महा धुनि गर जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की, कछु मारस कछु मर्देस कछु मिलायस धरि धूरी कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मर कट भल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है सुनि सुत बध लंकेश रिताना पठाए थी मेघनाथ बलबाना मारथी जन सुत बांधे सुताही देखिए कपी कहां कर आई। पुत का बद सुनकर रावण क्रोधित होता और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा, उससे कहा कि हे पुत्र मारना नहीं उसे बांध लाना उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। चला इंद्र इत अतुलित जोधा बंधु निधन पुनि उपजा क्रोधा कप
आपी देखा दारुण भट आवा कट कटा ही कर जा और धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघना चला, भाई का मार जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा बिरत की लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा गही गही कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ ही बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीन ही निपाती ताई तन बाजा भीरे जुगल मानहुं गज राजा, मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई ताही एक क्षण मुरझाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारकर और वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीने से बहु माया जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मनु कीनी विचार, जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटै अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संघान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। ब्रह्मवान कपि कहूं ते ही मारा, परती हूं बार कटक संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नांग पास बांधे सी ले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो उनको नांग पास से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तास दूत की बंध तरु आबा, प्रभु कारज लगे कपि ही बंधावा। शिव जी कहते हैं हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। सकता है किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े
और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रगति बिलोकत सकल सभीता देखी प्रताप न कपि मन संका जिमि अहि गण महु गरुण असंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौतक रहे हैं, सब उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निसंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निसंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकि दशानन बिहसा कही दुर्वात सुत वध सुरत की निपुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन करता हुआ हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहलंकेश कवन तय कीसा के बल घाले ही बन कीसा की दो श्रवण सुनी नहीं मोही देखियऊं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, अरे बानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला, क्या तूने कभी मेरा नाम और यश नहीं सुना। अरे सठ मैं तुझे अत्यंत ही निशंक देख रहा हूँ, मारे निश्चर के ही अपराधा कहूं सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिर चति माया तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा। अरे मूर्ख बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है जाके बल बिरंच हरि ईसा पालत सजत हरत दश सीसा जा बल सीस धरत सहसानन अंड कोस समेत गिरी कानन। जिसके बल से दशीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से सहस्त्र मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्राह्मण को सिर पर धारण करते हैं। धर ही सो विविध देह सुरत्राता तुमसे सटन सिखावनु दाता हर को दंड कठिन जहि भंजा ते समेत नप दल मद गंजा। जो देवताओं के रक्षक के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राक्षसों के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली बंधे सकल अतुलित बलशाली जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लबलेशते जीते चरा चरी झारी तास दूत मैं जा करे
हरियाणे हूँ प्रिय नारी, जिसके लेश मात्र से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाना हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परिय लराई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, सहत भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी सोभाओ ते तोरे हूँ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। निशाचरों के मालिक देह सबको प्रिय है, कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे हो तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीनी चाहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनो मान तजे मोर सिखावन, देखू तुम निज कुलही बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चरा चर खाई, तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा सकता है, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं, शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलिस जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के
चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। कपि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल सूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनित बही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहाँ पन रोपी, विमुखी राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते। मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागव तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तन स्वरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतीत बानी, भगत विवेक विरति नै सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहिं कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अदम सिखावन मोही। उल्टा होई है कहे हनुमाना, मत ब्रह्म तोर प्रकट मैं जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिना हरहु मूल कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े
उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी आ पहुंचे। नाइसी सिकरी विनय बहुता नीति विरोध न मारियू दूता आन दंड कछु करियू गोसाई सबही कहा मंत भल भाई। उन्होंने से नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मानना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत भी हसी बोला दस कंधर अंग भंग कर पठयू बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाई तेल गोरी पट्टी बांधी पुनी पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबाकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछ ही ने बानर तहां जाई तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके की निसे बहुत बड़ाई देखियाँ मैं तीन कै प्रभुताई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा तब वो मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। जरा मैं उनकी प्रभुता और समर्थ तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद मैं जाना जात दान सुनी रावण बचना लागे रचय मोड़ सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन ग्रत तेला बाढ़ी पूंछ की कपि खेला कौतुक कहें आए पुरवासी मारही चरण करही बहु हांसी। पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा और घी लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़कर लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत ही हंसी करते हैं। बाजहीं ढोल देहीं सब तारी नगर फेरी पुनी पूछ पजारी पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नीब की चढ़े कनक अटारी भई सभीत निसाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उनचास अट्टहास कपि गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उन चासों पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर
आकाश में जा लगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की।